हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपको मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्या मध्य प्रदेश विद्युत विभाग निजीकरण हो गया है या अर्थात प्राइवेट हो गया है? क्या मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में परमानेंट जॉब अब नहीं मिलेगा? क्या मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में अब जो वैकेंसी आएगा वह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आएगा? क्या मध्य प्रदेश में जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किए हुए स्टूडेंट है, क्या उनका भविष्य खतरे में है? आप सच्चे दिल से बताइएगा, दिल पर हाथ रख के बताइएगा, 2017 के बाद आपको मध्य प्रदेश में विद्युत विभाग के वैकेंसी नहीं आया है। अब इससे अनुमान क्या लगाया जाएगा? और ऐसे पेपर में भी बहुत बार आया है न्यूज़ में कि आपको मध्य प्रदेश विद्युत विभाग को प्राइवेट कर दिया गया है, निजीकरण कर दिया गया है। अब आप लोग बताइए, जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई किए हैं उनका परमानेंट जॉब कहाँ मिलेगा? सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले के नौकरी मिलता था तो वह विद्युत विभाग में, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मिलता था। अगर वह प्राइवेट हो गया है, निजीकरण हो गया है, तो क्या अब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा? आईटीआई स्टूडेंट जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किए हुए हैं, या तो विद्युत विभाग में वैकेंसी आता था सबसे बड़ा स्तर पर, या आपको रेलवे में आता था। रेलवे अब हर 5 साल पर देगा। अभी मालूम है 1 अक्टूबर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को निगम किया जा रहा है और कुछ दिन के बाद इसे बेच दिया जाएगा। अर्थात कुछ दिन के बाद यह निगम जो है बेचने का स्टेप है। सरकारी कंपनी को कोई डायरेक्ट नहीं बेच सकता है, पहले निगम बनाया जाता है फिर उसको बेचा जाता है। आज से मैं 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। आज से हम डेली एक एक वीडियो लेकर आऊँगा और गवर्नमेंट का क्या नीति है, कौन कौन से सेक्टर को बेचा जा रहा है, कौन कौन से सेक्टर को प्राइवेट किया जा रहा है, सब पर बात करेंगे। आईटीआई अगर स्टूडेंट है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किए हैं, तो आप लोग बताइए कि आखिर अब क्या करना चाहिए। आप कहीं पर भी वीडियो देखते हैं, अगर एमपी में जो भी टीचर पढ़ाते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो उनसे बात रखिए कि हम लोग का कुछ प्लानिंग बनाइए। और आपको देखिए, ग्रुप डी का एग्जाम डेट नहीं आता है तो ट्विटर पर कैंपेन चलता है, लेकिन आईटीआई के स्टूडेंट एक क्यों नहीं होते हैं? एक इसलिए नहीं होते हैं कि कुछ उस टीचर से जुड़े हुए हैं, कुछ उस टीचर से जुड़े। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप नहीं जुड़िए, सभी टीचर से जुड़िए, लेकिन उसी टीचर से आप पढ़िए जो आपकी बात को, आपकी समस्याओं को समझे और आपकी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाए। हम तो बहुत छोटा यूट्यूबर है, अगर आपको लगता है, आपको विश्वास है कि आपकी बात को हम गवर्नमेंट तक रखने का काम करेंगे, तो हमारे टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इतना शेयर करिए कि सभी स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के आप इस चैनल पर जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप भी लिंक में दे दूंगा, आप उस पर भी जुड़ जाइए और हम लोग एक मुहिम चलाएंगे कि आखिर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट अब कहाँ जाएंगे। आप बताइए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से मध्य प्रदेश में वैकेंसी नहीं है। एक बात और बता दूं, जितने प्राइवेट आईटीआई हैं और वहाँ इलेक्ट्रीशियन के सीट हैं, एडमिशन होता है, वह आईटीआई में स्टूडेंट भी उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि सर अगर हम नहीं हैं तो आपका इंस्टीट्यूट नहीं है, और आपका इंस्टीट्यूट में तभी एडमिशन हम ले पाएंगे जब गवर्नमेंट जॉब की होगा। तो आप सरकार के सामने, गवर्नमेंट के सामने यह मुद्दा रखिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हमें जॉब नहीं चाहिए, हमें परमानेंट जॉब चाहिए, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करेंगे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हर वह स्टूडेंट जो इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किए हैं उनके पास यह वीडियो को पहुंचाइए। और आप लोग एक प्लानिंग करिए, एक ग्रुप बना लीजिए, उसमें हमको बताइए कि हमारा योगदान क्या रहेगा, हम आपके लिए क्या करेंगे। और आप सभी आईटीआई से भी, जिस आईटीआई में आप पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, उनसे एक ही सवाल करिए कि सर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हम कर रहे हैं आईटीआई, क्या हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगा? अगर मिलेगा तो कौन सी सेक्टर है जिसमें हमें मिलेगा? 10 और 20 सीट मत देखिए, 10 और 20 सीट तो आपको निकलेगा, और उसमें भी क्या है,
कि अभी वैकेंसी निकल रहा है, 2 साल के बाद एग्जाम होगा, 2017 के बाद अभी तक आपको मध्य प्रदेश में विद्युत विभाग में वैकेंसी नहीं आएगा। इससे अनुमान यही लगाया जा रहा है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अब वैकेंसी निकलेगा। सुनने भी आया होगा 6,000 8,000 10,000 में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर स्टूडेंट सब काम कर रहे हैं। क्या आप दिल पर हाथ रख के बताइए, इसी दिन के लिए आप आईटीआई किए थे, इसी दिन के लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आप आईटीआई किए थे? और जिस दिन स्टूडेंट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आईटीआई करता है उस दिन सोचता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, लेकिन यह गवर्नमेंट का मंशा नहीं है। देखिए अब भी हर चीज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इतनी बड़ी संस्थान था और इसको निगम किया जा रहा है, और स्टूडेंट को अभिभावक को सबको मन में भ्रमित किया जा रहा है कि ऑर्डिनेंस में बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। आप एक बार बताइए कि भेल एक प्रकार का निगम है, आप पिछले 10 साल से भेल में वैकेंसी नहीं आया है, पिछले 10 साल से भेल में वैकेंसी नहीं आया है। और सबसे पहले एक बात और मैं बता दूं, जितनी निगम कंपनियां हैं सबसे ज़्यादा वहाँ परमानेंट जॉब से ज़्यादा वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है। एक और लॉजिक मैं बता दूं, अभी भेल में वैकेंसी नहीं आता है पर साल, लेकिन 600 से ऊपर अप्रेंटिस की वैकेंसी जरूर आता है, हर साल अप्रेंटिस करवाएंगे। लेकिन अप्रेंटिस अच्छी बात है, ट्रेनिंग हम ले रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग करके कहाँ जॉब लेने जाएंगे? क्या पकौड़ा तलना ही एक प्रकार का आपके लिए रोजगार है? तो यह सही नहीं कर रहे हैं, हर चीज को बेच रहे हैं, स्टूडेंट हित में सही नहीं है। अगर यह मुद्दा आप लोग उठाना चाहते हैं जोर शोर से, तो आप लोग एक एमपी में मुझे कुछ लोग टीचर हैं जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से पढ़ाते हैं, लेकिन वह ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर जो लोग पढ़ा भी रहे हैं, कोई भी चैनल हो, आप को उनको हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट करिए कि सर हमारी मुद्दा को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करिए। अगर आप हमारे मुद्दा नहीं पहुंचाते हैं, हमारी समस्या नहीं समझते हैं, तो हम आपको गुरु कैसे माने? और यह गवर्नमेंट तक पहुंचाने के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, पहले एक और बात, उधर सीओडी की वैकेंसी आती थी वो बंद हो गया, एमईएस की वैकेंसी आती थी वो बंद हो गया, उसके बाद आपको यह मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की वैकेंसी आता था वो बंद हो गया। एक बात और खास बात बताओ, एमपी के स्टूडेंट भी कुछ लोग गलती कर रहे हैं। अभी सुने होंगे यूपी में के स्टूडेंट बहुत बड़ा जोरदार मतलब हड़ताल किए, स्ट्राइक किए, प्रदर्शन किए, राजस्थान में भी बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, क्योंकि वहाँ के टीचर स्टूडेंट के साथ है, और यहाँ के टीचर स्टूडेंट के साथ नहीं है। केवल वैकेंसी आएगा तो हमारे पास आओ, एडमिशन ले लो, लेकिन स्टूडेंट की समस्या को सुनेगा कौन? तो अगर आप लोग वैकेंसी चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि नहीं एक बार फिर से वैकेंसी आए, तो आप लोग एक प्लान बनाइए और उस प्लान में हमको बताइए कि हमारा क्या योगदान रहेगा और कैसे काम किया जाए ताकि गवर्नमेंट वैकेंसी निकाले। अगर सरकारी मतलब कॉन्ट्रैक्ट अगर प्राइवेट नहीं हुआ है तो सरकारी निकले, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा हो गया है। अगर ऐसा जैसे क्या मध्य प्रदेश विद्युत विभाग निजीकरण हो गया है? अगर नहीं हुआ है तो वैकेंसी क्यों नहीं आ रहा है? दूसरा, क्या मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में परमानेंट जॉब नहीं आएगा? ठीक है, हाँ आएगा, तो कब आएगा? ठीक है, क्या मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब आएगा? ये तो सही है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अभी मिल रहा है, सबको मिल रहा है, किसी को जॉब चाहिए तो बताइएगा, हम आपको बताएंगे। क्या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के स्टूडेंट को भविष्य खतरे में है? खतरे में है, तो अब जागो यूपी के स्टूडेंट, जाग उठा है राजस्थान के स्टूडेंट, जाग उठा है, और वहाँ देखें वैकेंसी भी आ चुका है। बिहार में अभी कोई स्टूडेंट नहीं जागा है, अन्य मध्य प्रदेश के स्टूडेंट जागा है, और जब तक जागिएगा नहीं तब तक आपको वैकेंसी नहीं मिलेगा। आप सवाल करिए, और किससे सवाल करता है? विपक्ष से आदमी थोड़ी सवाल करता है, जो गवर्नमेंट में होता है उसी से सवाल करता है ना। तो सवाल करने से अगर कतराइएगा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपकी एज निकल जाएगी और जॉब नहीं होगा। वह आईटीआई का सर्टिफिकेट एक आप कोने में कहीं फ्रेमिंग करवा के मरवा दीजिए कि हम भी किसी जमाने में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई किए थे। अगर आपको बात हमारी बुरा भी लग रहा है तो आप पता कर लीजिए पेपर में, न्यूज में, हर स्तर पर। अगर हम बोल रहे हैं नहीं निजीकरण हुआ है, प्राइवेट नहीं हुआ है, तो वैकेंसी क्यों नहीं आ रहा है? वैकेंसी आना चाहिए, तो यह गलत हो रहा है। और हर सेक्टर का जो जो क्या हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है, क्यों बेचा जा रहा है,
हर सेक्टर का मैं रोज एक एक वीडियो लेकर आऊंगा। और हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को निगम किया जा रहा है, अब गवर्नमेंट के नीति को नियत को हम बताएंगे, आपके सामने अपनी बात को रखेंगे। इसके लिए चाहे हमारी जॉब रहे या न रहे, अगर निकाल भी दिया जाएगा फिर भी कोई गम नहीं है, मैं आपको पढ़ाकर उतना तो कमा ही सकते हैं जितना हम खा सकें, लेकिन हर दिन एक वीडियो लेकर आऊँगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग रिप्लाई करिए कि हाँ आपका बात ये जो मैं बोला हूँ यह सही है या गलत है। अगर आप हमारे साथ हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।